नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। धनुषाक धनौजी में एक वर्ष पहले भेल हत्या घटना का आरोपी के कतार से पकड़ के नेपाल आनल गेल। देश के विभिन्न जिला में वायरल फीवर के प्रकोप, जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में जांच के लिए आवला में से आधा में बुखार। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के स्थापना। परीक्षा में पाठ्यक्रम बाहर से प्रश्न आयल कहित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी द्वारा विरोध। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण में विलंब के बाद दबाव, काठमांडू में प्रदर्शन आ धरना। अब समाचार विस्तार से। धनुषाक धनौजी में एक गोटे के हत्या कक भागल आरोपी के पुलिस कतार से पकड़ के नेपाल अनलक। धनौजी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 24 वर्षक राजीव कुमार मंडल के इंटरपोल के सहयोग में कतार से नेपाल आनल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक डीएसपी प्रदीप छेत्री जानकारी देने। एक वर्ष पहिने मंडल सहित दू गोटे कहीने छुरा प्रहार से धनौजी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 बोहरबा के सरोज कुमार मंडल के मृत्यु भेल छल। मंडल विरुद्ध प्रहरी इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस जारी केने छल। ओहि नोटिस के आधार में कतार पुलिस मंडल के पकड़ के नेपाल प्रहरी के हस्तांतरण कलक। सरोज के इलाज क्रम में काठमांडू में मृत्यु भेल छल। छुरा प्रहार से गंभीर घायल रहल अवस्था में घटना के आरोपी सबके अदालत से फायदा देने छल। इंटरपोल को मदद बड़ा हम पुलिस प्रधान कार्यालय रेड कॉर्नर नोटिस जारी करें उसलाई हामीले विदेशबाट हामीले यहाँ झिकाएका छौँ। अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छ। अहिले यहाँ चाहिँ धनुषामा आइपुग्नु भएको छैन। उहाँ कर्तव्य ज्यान हुँदाको फरार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई झिकाइया हो। त्यो घटनामा उहाँ एकजना हो, उहाँलाई चाहिँ हामीले झिकाएका छौँ। उहाँ पहिले पनि अब पक्राउ परेर अदालतकै आदेश भएपछि उहाँ चाहिँ छुट्नु भएको थियो, कुटपिट मुद्दामा परिणत भएर छुट्नु भएको थियो। उहाँ पुनः कर्तव्य जान मुद्दातर्फ अनुसन्धान गर्नलाई हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा झिकाएका छौँ। 2078 साल भादो 26 गते रातमा बुहरबामा गणेश पूजाके मेला लागल छल। ओहि रात सांस्कृतिक कार्यक्रम देखैत काल दू समूह बीच विवाद भेल छल। दू समूहके बीच भऽ रहल विवाद मिलावा पहुँचल। सरोज के पेट में छुरा प्रहार कयल गेल छल। नाच देखैत काल अमित कुमार मंडल, मनीष कुमार मंडल, राजीव कुमार मंडल बीच विवाद भेल छल। ओहि विवाद में अभियुक्त मनीष आ राजीव अमित के माथा में हथियार प्रहार केने छल। अमित के बचाव लेल स्थानीय बजरंग राउत आ सरोज कुमार मंडल ओहि ठाम पहुँचल छल। ओहि क्रम में ओकरा सब ऊपर सेहो छुरा प्रहार कयल गेल छल। सरोज के पेट में आ बजरंग के जांग में छुरा प्रहार कयल गेल छल। मुदा जिला न्यायाधीश परशुराम भट्टराय के एकल इजलास हत्या अभियोग मुद्दा के सामान्य मारपीट मुद्दा में परिणत कर प्रतिवादी के सफाई द देने छल। सरोज के काठमांडू में इलाज चल रहा समय रिहा भेल राजीव वैदेशिक रोजगार के लिए कतार चल गेल छल। दोसर अभियुक्त मनीष मंडल सेहो फरार है। मृतक के बाबू रामानंद मंडल न्याय के मांग करैत आयल अछि। बेटा के इलाज में 20-25 लाख खर्च भेलो पर बचाव नहीं सकल, मुदा उल्टी अदालत दोषी के रिहा केने हुनक आरोप छलनि। न्याय आ क्षतिपूर्ति के लेल प्रयास क देब सब संग ओ अनुरोध करैत आबि रहल छनि। देश के विभिन्न जिला में जका धनुषा में सेहो वायरल बुखार बीमार सबके वृद्धि होइत जा रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल बहिरंग सेवा में इलाज के लिए आबय वाला बीमार सब में से आधा व्यक्ति में बुखार देखल गेल जनाओल गेल अछि। एना आबय वाला बीमार में बुखार, शरीर दुखाव, दुखेबाक, उल्टी होबाक जेहन लक्षण देखल गेल सेहो अस्पताल जनौलक अछि। मौसम परिवर्तन, कोविड, हेपेटाइटिस, डेंगू के प्रकोप लगातार कारण सँ वायरल बुखार के बीमार बढ़ल। प्रादेशिक अस्पताल के चिकित्सक धीरज झा जानकारी देलनि। लगभग 50% पेशेंट, आब 200 आदमी अबै छै तऽ लगभग 100 आदमी के जे छै बुखार लागल रहै छै, देह हाथ दुखाइ छै आ उल्टियो होइत रहै छै ककरो ककरो, तऽ ओकरा वायरल फीवर जे छै हमसब शंका करै छियै। सो 50% पेशेंट के लगभग छै। आइ काल्हि जे वायरल फीवर छै ओकर आब सब वायरल फीवर के कारण पता नहि रहै छै। एकटा छै मौसम चेंज होइ छै, आब बरखा आयल, आब पानि तानि पड़ऽ लगलैए, ओहिके हिसाबसँ जे छै मौसम चेंज भेलैए, ओहिके लऽ कऽ जे छै आदमीके वायरल फीवरके प्रकोप छै। आ एकटा वायरल ओ भेलै तऽ दोसर भऽ जाइ छै कोविडोके, ककरो ककरो जे कोविडोके प्रकोप छै मगर डायग्नोसिस नहि होइ छै, तऽ कोविड अपनोमे एकटा वायरल फीवर छै।
आ दोसर वायरल हेपाटाइटिसो के कोनो कोनो केस सबसे आ आइ काल्हि जाकर जे छै डेंगू के डेंगू वायरल बुखार में 100 से 103 डिग्री धरि बुखार हेबाक, सर्दी खोखी लगबाक, खाय मन नहि लगबाक, सुस्ती लगबाक, शरीर दुखेबाक, माथ दुखेबाक, गर्दन दुखेबाक लगातक लक्षण देखल जाइत अछि। वायरल बुखार संगे डेंगू के प्रकोप समेत बढ़ लागल अछि। प्रादेशिक अस्पताल में 2-3 गोटे डेंगू के बीमार सेहो रहल। डॉक्टर झा जानकारी दिलनि, ओ डेंगू से बचब, मच्छर से बचब आ सर सफाई में ध्यान देब सेहो सलाह देलनि अछि। कि वीरगंज से दोसर जगह से आबै छै ओहि आदमी सबके बेसी छै, लोकलो आदमी सबके छै लेकिन कम मात्रा में छै। डेंगू के डेंगू से बचे के लेल छै मेन डेंगू कथी सब होइ छै से जानक। डेंगू जे छै से मच्छर के कटला पर लगै छै, एकटा एडिस कहि के मच्छर होइ छै, ओ मच्छर कटलक त लागै छै। आ मच्छर से बचे के उपाय की छै से डेंगू से बचे के उपाय छै। तो मच्छर से बचे के उपाय में सबसे जरूरी जे छै घर के आसपास में जे छै गड्ढा गुड्ढी सब ओकरा सबके साफ राख के। डेंगू रोग के मुख्य लक्षण बुखार रहल अछि। 2-4 दिन बुखार आबि के नीक भेल अवस्था में खून के जांच कराब डॉक्टर सुझाव दे छन। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भेल व्यक्ति सब में डेंगू रोग से बेसी असर कर सकबाक भेला से धियापुता तथा वृद्ध वृद्धा के मच्छर से सुरक्षित राख सेहो ओ सुझाव देलन। डेंगू लागल बीमार के बुखार हेबाक, बेसी माथा दुखेबाक, आँख आ एकर पछिलका भाग दुखेबाक, हार्ड जोड़नी तथा मांसपेशी सब दुखेबाक, वाक वाक हेबाक, पेट दुखेबाक, नाक से खून हेबाक, शरीर में खून जमल दाग सब देखल जेबाक, बेहोश हेबाक लगातक लक्षण सब देखल जाइत अछि। जनकपुर धामक प्रादेशिक अस्पताल में अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन एक कार्यक्रम के बीच मध्य प्रदेश सरकारक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रादेशिक अस्पताल में ई मॉड्यूलर ओटी के समोद्घाटन कयलनि अछि। ओटी के उद्घाटन करैत मंत्री शाह मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के हरेक अस्पताल में इलाज पद्धति के लेल आवश्यक अत्याधुनिक संपूर्ण उपकरण आ सुविधा उपलब्धता के लेल तत्पर रहल आ प्रयास कर रहल बतौलनि। सर समान छै, जते ऑपरेशन के समान छै सब चीज के व्यवस्था सरकार कऽ देलकै हन और निश्चित रूप से ऐसे जे छै एतऽ के स्वास्थ्य में सुधार हेतै। मंत्री साहब सरकार उपकरण पूर्वाधार पूरा कऽ मात्र नहि हेबाक कहैत अस्पताल सब में एकर प्रयोग आ सदुपयोग के लेल दक्ष जनशक्ति के व्यवस्था आ सुविधा के सही सदुपयोग करल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह मॉड्यूलर ओटी के व्यवस्थापन भेला के बाद हृदय, मस्तिष्क, स्पाइन सर्जरी सहितक एकदम संवेदनशील शल्यक्रिया सब सहज आ सुरक्षित तरीका से आब हो सकबाक बतौलनि। ओटी जे छै से ऑपरेशन थिएटर छै, जाहिमे ऑपरेशन होइ छै, जेनाकि अपना सबके ऑपरेशन में पेट के ऑपरेशन, छाती के ऑपरेशन, किडनी के ऑपरेशन, माथा के ऑपरेशन होइ छै, तऽ ओ ऑपरेशन सब करऽ के लागि एकटा अत्याधुनिक व्यवस्थापन छै। पहले सामान्य ऑपरेशन थिएटर सब छलै पहले, या जाहिमे कि बहुते चीज सबके आधुनिकीकरण नहि भेल छलै, जाहि कारणसँ लोक सबमे इन्फेक्शन होनाइ, कॉम्प्लिकेशन होनाइ बेसी सम्भावना छलै। आब एहि ओटी सबके एकरा कहै छै मॉड्यूलर ओटी, यानी कि मॉड्यूलर वेराइटी के ऑपरेशन थिएटर है, जाहिसँ कि बड़का बड़का ऑपरेशन सब जेना ब्रेन के ऑपरेशन होतै, हार्ट के ऑपरेशन होतै, कैंसर के ऑपरेशन होतै, किडनी के ऑपरेशन होतै और अत्याधुनिक तरीका सब जेना कि उद्घाटन कयल गेल। मॉड्यूलर ओटी में हर एक घंटा में 6 गोटे धरि के ऑपरेशन भ सकबाक बताओल गेल अछि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के जनशक्ति पूर्वाधार तथा उपकरण के व्यवस्थापन कर रहल अछि। मॉड्यूलर ओटी जनकपुर धाम में पहिल बेर संचालन में आयल दावी कयल गेल अछि। मध्य प्रदेशक महिला, बाल बालिका, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय पुलिस के ट्रॉली, बूफर आ जिंगल हस्तांतरण कयलक अछि। मध्य प्रदेश में बाल विवाह अंत आ दहेज प्रथा विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब संचालन करबाक लेल सहयोग पहुँचबाक उद्देश्य से मध्य सरकार नेपाल पुलिस के ट्रॉली आ जिंगल उपलब्ध करौलक अछि। मंत्रालय मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी लगातक लेल 80 ट्रॉली, बूफर उपलब्ध करौलक अछि।
कार्यक्रम में महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह मधेश में समस्या के रूप में रहल बाल विवाह दहेज प्रथा महिला तथा बाल बालिका ऊपर होबय वाला हिंसा विरुद्ध के जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब संचालन कर ट्रॉली आ जिंगल पुलिस के सहयोग पहुँचाब के उद्देश्य से सहयोग कैल गेल विश्वास व्यक्त कल नेपाल प्रहरीलाई यो दाइजो बाल विवाह महिला हिंसा बाल हिंसा न्यूनीकरण को अभियान में सहयोग पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने हिसाबले हामीले जुन सहयोग को हात तेना मधेश प्रदेशक प्रहरी प्रमुख तथा डीआईजी मसूद आलम खान सेहो प्रहरी के जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कर सहयोग पहुँचबाक बताने छलनि। ओ चेतना शिक्षा स्तर बढ़ला बाद अपराध होब नहीं सकबाक दावी केने छलनि। यो शिक्षा प्राप्त गरेका छन् भनेपछि 50% चाहिँ बाँकी रहेका छन् भने चाहिँ र यो मधेश प्रदेश एउटा उसमा के छ भनेपछि यहाँ धेरै घटनाहरू चाहिँ यो महिला बालबालिका युवाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव रंजीत कुमार यादव मधेश प्रदेश प्रहरी गण के प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवाल जिला प्रहरी धनुषाक प्रहरी नाव उपरीक्षक प्रदीप छेत्री जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक चंद्रभूषण यादव लगायत सबके सहभागिता छलनि। पाठ्यक्रम बाहर के प्रश्न सब पूछल गेल कहित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब विरोध कैलक अछि। जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अंतर्गत रहल कैंपस के विद्यार्थी सब बुध दिन लेल गेल परीक्षा में पाठ्यक्रम बाहर से प्रश्न आयल कहित बृहस्पति दिन ओ सब विरोध जनौलक। एखन जारी वाणिज्य संकाय के बीबीए बीसीए लगातक तह के किछ प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर रहल विद्यार्थी सब के ऊपर आ गई है। विश्वविद्यालय बेर बेर अहिना अपना सब के समस्या दैत आयल सेहो ओ सब उपराग व्यक्त कैलक अछि। किछु महीना आगा भेल परीक्षा में सेहो पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न सब पूछल गेल ओ सब आरोप लगौलनि। सेमेस्टर देखि नै हामीहरुलाई चाहिँ के भइरहेछ यहाँ भने आउट अफ सिलेबस क्वेशनहरु आइरहेछ। अस्तिको सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टरमा पनि हामीहरुको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ आउट अफ सिलेबस भनेको 20 मार्कको आएको थियो। त अस्तिको सेमेस्टरमा हामीहरु चाहिँ यहाँ पनि एउटा लेटर लेखेर चाहिँ चिप सरलाई चाहिँ बुझाइराखेको थिएँ। देन आफ्टर चाहिँ उहाँ त्यहाँ डिन अफिसमा पनि बुझाएको थिएँ अनि इक्जाम कन्ट्रोल अफिसमा पनि बुझाएको थिएँ। तर पनि अहिलेसम्म हाम्रो लेटरको कुनै पनि रेस्पोन्स आएको छैन। मे दुगो क्वेसन आउट अफ सिलेबस छ लिए ओहिके लागि सब विद्यार्थी गाह्रो पर्लिए। अब दुगो क्वेसनके कारणसँ विद्यार्थी सब फेल भी भऽ सकै छै आ प्लस जे युनिवर्सिटीमे कोइ पैटर्न नहि ओल्ड क्वेसनके ओल्ड मॉडल क्वेसन सब है ने ओहिके कोइ पैटर्न नहि कि विषय में वही समय विश्वविद्यालय के संबंधित निकाय सबके ध्यानाकर्षण पत्र बुझौल पर कोनो सुधार नहीं भेल सेहो ओ सब बतौलक अछि। तेना विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा व्यवस्थापन संकाय के संयोजक रवि कुमार राज सेहो बेर बेर एहन समस्या होइत आयल धारणा रखने छलनि। मैले चाहिँ क्याम्पस सिपलाई भने कि आउट अफ सिलेबस क्वेश्चन आइरहेछ सम्बन्धित शिक्षक विषयगत शिक्षकहरूसँग पनि सल्लाह गर्दाखेरि उनीहरूले पनि हेर्दाखेरि भने कि आउट अफ सिलेबसै जस्तो छ यो क्वेसन्सहरू सिलेबसमा चाहिँ मेन्सन गरेर दिएको छैन टिचरले पढाउने सिलेबसै अनुसार हो र हाम्रो चाहिँ क्याम्पसिपले त विभिन्न शिक्षकहरूलाई तपाईँले चाहिँ पढाइदिनु भएन राम्रोसँग यो आएको क्वेसन पनि पढाइदिएको भए हुन्थ्यो जस्ता कुराहरू गरिदिँदाखेरि के भयो भने शिक्षकले कसरी पढाउने सिलेबस जे तोकेको छ त्यही पढाउनु पर्ने हो र विगत लास्ट सेमेस्टरमा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट विषयमा कोर्स बाहिरको क्वेसन आएको थियो त्यसका विषयमा पत्राचार भइसकेको छ परीक्षा डिपार्टमेन्टलाई र अहिलेसम्म त्यसको केही फिडब्याक आएको छैन। एमर क्याम्पस प्रमुख विनोद कुमार कर्ण विद्यार्थी सभाको उपरागके विषयमा आफ्ना विश्वविद्यालयका परीक्षा शाखासँग बुझ्ने आ पाठ्यक्रमभित्रसँग प्रश्न आयल जानकारी पाउने बताइन्। शिक्षक सम्बन्धित पाठ नै पढाउने होब सकबाक आशंका करैत हो प्रश्न बाहरसँ आयल बात लिखित रूपमे पेश गर विषय शिक्षकसँग आग्रह कयलनि अछि। त्यहाँ पढाउँदाखेरि त्यसले सिलेबस समात्यो कि समातेन फलानो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ फलानो नपढ्दा पनि हुन्छ भनेको छ भने त्यो टिचरलाई समात्नुहोस् कि तपाईँ डेप्थमा किन पढाउनु भएन या त त्यो टिचरले लेखेर दिनु पर्यो कि यो आउट अफ सिलेबस क्वेसन छ यदि लेखेर टिचरले दिन्छ भने हिजो आएका टिचरलाई प्रमुख कारण बितल समय परीक्षाक समय सेहो विषयगत शिक्षक सब एहन उपराग केलो पर ओ सब लिखित पत्र नै दिने
दावी कयने छलनि। कैंपस में एखन स्नातक तह के विभिन्न विषय के परीक्षा चल रहा है। विद्यार्थी सब बीबीए के ई-कॉमर्स कंप्यूटर गणित आ बीसीए के गणित विषय के किछ प्रश्न पाठ्यक्रम बाहर से पूछल गेल दावी करते आबि रहल अछि। किछ महीना आगा भेल बीबीए के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परीक्षा के प्रश्न से हो पाठ्यक्रम बाहर से आयल हुनका सबके दावी छलनि। नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण के मांग करैत काठमांडू में दबाव देबा क्रम जारी है। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पहुंचला 9 दिन बितलो पर प्रमाणीकरण क्रम में विलंब केला बाद नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के नेतृत्व में माइतीघर मंडला में प्रदर्शन आ धरना भ रहल है। वो सब तत्काल विधेयक प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के आग्रह कलक। लाखों मधेशी युवा के जीवन बर्बाद करबाक नियत से राष्ट्रपति द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण में विलंब कल जा रहा हुनका सबके उपरा गई है। वो सब अपना सबक पहचान कायम करबाक लेल तत्काल नागरिकता विधेयक पारित करब मांग कलक। नागरिकता नहीं भेला से अपना सब वर्षों से विभिन्न किस्म के समस्या भोगत आयल वो सब उपराग व्यक्त कलन। नागरिकता विधेयक दोसर बेर प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से पारित कर राष्ट्रपति भंडारी समक्ष पठाओल गेल छे। पहिल बेर राष्ट्रपति संदेश सहित ई विधेयक फिरता भेज देने छलथि। एकरा बाद फेर दुनू सदन जहिनाक तहिना ई विधेयक के पास कर राष्ट्रपति समक्ष भेजने अछि, मुदा 9 दिन बितलो पर भंडारी विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं केने अछि। दोसर बेर फेर विधेयक के फिरता भेजबाक सुविधा राष्ट्रपति समक्ष नहीं अछि। संविधान अनुसार 15 दिन भीतर प्रमाणीकरण कयल जेबाक व्यवस्था अछि। बृहस्पति दिन दू चरण में बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त 3 विधेयक पारित कलक। पारित भेल विधेयक सब में पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076, बीमा विधेयक 2075 आ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 रहल। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा ई विधेयक से पारित भेल घोषणा कलन। राष्ट्रीय सभा बैसार के शून्य समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब समसामयिक विषय में अपन अपन बात सब रखलन आ डेंगू नियंत्रण के लिए सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। शून्य समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य उदय बहादुर बोहरा जनता के समस्या लगकर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री के भेंट गेलो पर भेंट नहीं देने कहित उपराग व्यक्त कलन। ओ सांसद सबके बाहर बैसा कर भेंट नहीं देनाय निक नहीं भेल कहित मंत्री सबके ध्यान आकर्षण करौने छलन। राष्ट्रीय सभा सदस्य गोमा देवी तिमिल सिन्हा डेंगू नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाई सब छीटे पड़ल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलन। वही ठाम मीटर ब्याजी पीड़ित सबके समस्या समाधान के लिए सरकार के प्रयास जानकारी कराव से सब मांग कने छलन। राष्ट्रीय सभा के अगिलका बैसार भादो 31 कते शुक्र दिन बैसत। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रत्यायोजित विधान व्यवस्थापन करबाक लेल बनल विधेयक के जल्दी निष्कर्ष में पहुँचेबाक निर्णय कलक। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार एहन निर्णय कलक। समिति के बैसार में समिति सभापति महाप्रसाद शर्मा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री के भेंट कर जल्दी प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन करबाक लेल बनल विधेयक निष्कर्ष में पहुँचबाक बतौलन। ओ प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन करबाक लेल अगिलका समिति निर्माण कने प्रत्यायोजित विधायन के व्यवस्थित कर संबंधी विधेयक संघीय संसद में दर्ता करबाक संबंध में समग्र परामर्श केंद्रित भेल जानकारी देने छलनि। हाम्रो मन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यू बिरामी पर्नुभयो र उहाँको सचिवज्यू आउनुभएको थियो र मन्त्रालयले त्यो उसको विधानको बारेमा सकारात्मक रूपले लिएको छ भनेर भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो र माननीयज्यूहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुभयो र त्यसपछि गएर हामी फेरि माननीय मन्त्रीज्यूसँग भेटेर छलफल गरेर विसारमे कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय के सचिव उदय राज सापकोटा सरकार निर्धारण के प्राथमिकता के कारण प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन करबाक लेल बनल विधेयक के निष्कर्ष लाग किछ विलंब भेल धारणा रखने छलनि। सचिव सापकोटा प्रतिनिधि सभाक कार्यक्रम में असमंजस पैदा भेलासँ एखन विधेयक के निष्कर्ष लगेबाक बातमे सेहो समस्या सृजना भेल धारणा रखने छलनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाक सांसद एवं पार्टी के सचेतक समेत रहल उमाशंकर अरगड़िया एमाले प्रवेश करय लागल अछि। धनुषा 2 सँ चुनाव जीतल अरगड़िया के एमाले के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली आसीन 8 गते प्रवेश कराब लागल अछि। लोसपा अरगड़िया के सचेतक के जिम्मेवारी समेत देने छल। अरगड़िया 2074 साल में संघीय समाजवादी फोरम सँ निर्वाचित भेल छलथि। जसपा फुटला बाद ओ लोसपा दिस गेल छलनि। लोसपा सेहो हुनका सचेतक बना देलक। ओहिसँ आगू ओ संघीय समाजवादी जसपा नेपाल के समेत पार्टी के
सचेतक छन्। नेकपा मालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन नेकपामै भेला पर अपनाके भस्म करके षड्यन्त्रके नै आरोप लगौलेने छ। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमके सम्बोधन करैत ओ एहन धारणा रखने छलनि। ओ माओवादी केन्द्रके अध्यक्ष दाहालके स्वयं पार्टी एकता करब मजबूत साथ आ समर्थन देने रहितो अपनाके छुरी रोपके काजके नै आरोप लगौलनि। ओ पार्टी एकता का वामपंथी मजबूत बनाब अपने कात में अध्यक्ष बनाकर रखला पर समेत साधारण सदस्य सा अपना हटौने धारणा रखलन। ओ माओवादी अध्यक्ष दाहाल के विषालु दांत के संज्ञा देने छ। प्रचार करने गठबंधन नातावादी गठबंधन आफन्तवादी गठबंधन परिवारवादी गठबंधन आफ्ना आफ्ना स्वार्थ में कुदेको गठबंधन अनि यो गठबन्धन यति कमजोर छ कि त्यो एमाले अध्यक्ष ओली आगामी चुनावमै नेकपा एमाले हार ही नै मिलबाक धारणा राख्लैन। ओ देश जनता लोकतन्त्र भ्रष्टाचार शान्ति सुव्यवस्था स्थिरता स्थायित्वके लेल नेकपा एमाले हार नै मिलबाक बतौलैन। ओ देशके विकास आ समृद्धिके अभियान अगाडि बढेबाक काम नेकपा एमाले बाहक अन्य दल सब करि नै सकबाक ठोकुवा केने छलैन। को विशेष अर्थ छ, विशेष महत्त्व छ। यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले हार्नै मिल्दैन, देशका लागि हार्न मिल्दैन, जनताका लागि हार्न मिल्दैन, लोकतन्त्रका लागि हार्न मिल्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हार्न मिल्दैन, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि। अध्यक्ष ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कहवाला आँट नेकपा एमाले बाहेक नेपालके कुनै राजनीतिक दल आ नेता कार्यकर्तामा नै भेल धारणा राख्लैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्र आगामी प्रदेश आ प्रतिनिधि सभाके निर्वाचनमे पहिल कम्युनिस्ट पार्टीके रूपमे स्थापित होबाक दावी केने छथि। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालयमे आयोजित पोस्ट बहादुर बोगटीके स्मृति दिवसके सम्बोधन करैत ओ एहन धारणा रखलेने छ। ओ नेकपा माओवादीके जनता देशके चाभी सोम्प चाहने स्पष्ट भेल बतौलने छ। ओ पार्टी भित्रके व्यवस्थापनके नीक सङ्ग मिलाव सकलापर निर्वाचनमे माओवादी केन्द्र पहिल कम्युनिस्ट पार्टी बनबाक बतौलनि। ओ स्थानीय तहके निर्वाचनसँ आ पार्टीक अनुभवसँ शिक्षा लक आगामी प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा सदस्यके निर्वाचनमे सन्तुलित स्पष्ट पारदर्शी एकताबद्ध ढङ्गसँ पार्टी अगाडि बढ़बाक धारणा राख्ने छलैन। मैले वाइब हुने पुरै सम्भावना छ माओवादी पार्टी जनतामा। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा सन्देश के हो भने जनता चाहिँ अहिले पनि माओवादी पार्टीको हातमा नै देशको चाबी चाहिँ दिन चाहन्छन्। देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको फैसला माओवादीले गरोस् भन्ने चाहना छ जनताको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। अध्यक्ष दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रको वैचारिक ढङ्गसँग परिमार्जन गरब आवश्यक रहल समेत बतौलनि। ओ पार्टी भित्र सम्बन्धके सहज बनाओल जेबाक आ जनसम्बन्धके सेहो घनिष्ठ बनाब पार्टी लागल जेबाक चाहिँ आवश्यकता रहल बतौलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार नै करब आ कर समेत नै देव कहनाइ साइन बोर्ड राखिकऽ भ्रष्टाचार मात्रैके नै आरोप लगौलने छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घके प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनके सँग सम्बोधन करैत हो एहन धारणा रखलेने छ। ओ तत्कालीन नेकपा सरकारमै प्रधानमन्त्री रहलापर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार नै करब आ कर समेत नै देव कहनाइ साइन बोर्ड राखिकऽ भ्रष्टाचार मात्रैके नै आरोप लगौलने छ। ओ भ्रष्टाचारीके कारवाही कऽ कऽ भ्रष्टाचार करयवलाके स्थान नै देबाक शासन प्रणालीके विकास होब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। ओ माओवादी रहधरि बुर्जुआ दलाल नोकरशाह आ भ्रष्ट सबके चैनसँ बैसनै देबाक जिकिर केने छलनि। त्यत्रो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ, हामीले त्यो कुरा पनि गत साल हामीले अनुभव गऱ्यौँ। बडो तितो बडो नमिठो एउटा विडम्बनायुक्त अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक दल आ उद्योगी सबमै सामाजिक न्याय आर्थिक विकासके नयाँ गति प्रदान गरेर जिम्मेवारी रहल बतौलनि। ओ नेपालके अर्थतन्त्रके उपर उठाकर अगाडि बढब
जरूरी रहल धारणा रखने छलन। अध्यक्ष दाहाल नेपाल के राजनीति में समस्या रहल उल्लेख करते राजनीति के सही बाट में लजाक देश विकास में लाग प्रभाग बतौलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अगहन 4 गते होबे वाला प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के 10 वर्ष भीतर में नेपाल के दक्षिण एशिया में सम्पन्न देश के रूप में चिन्हेबाक अभियान के रूप में आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छ। मंत्री कार्की अगिलका निर्वाचन में जनता के मत मगबाक आ मत देबे वाला मशीन के रूप में मात्र नहीं लक अपना सबके 10 वर्ष भीतर में कम से कम नेपाल के दक्षिण एशिया के सम्पन्न देश के रूप में चिन्हेबाक अभियान के रूप में आगा बढ़ेबाक बतौलन। बृहस्पति दिन ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के शुभारंभ करे तो देश के अर्थतंत्र श्रीलंका जेहन होब नहीं सकबाक दावी से कलन। किस गोटे देश के अर्थतंत्र श्रीलंका के हालत में आगा बढ़ल कहित भ्रम सृजना कर रहा कार्की के कथन छलन। सानो संख्या होइन हम जनसंख्या को आधार में हेर्दाखेरि यो जनसंख्या यो मोबाइल व्यवसाय कसरी यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् र मोबाइल हामी प्रयोगकर्ता पनि कसरी लाभान्वित हुन सक्छौँ त्यस दिशातर्फ पनि म संचार मन्त्रीको हैसियतले म उहाँको कुराहरूलाई उहाँसँग म मन्त्रालय मार्फत 2-3 दिनमा आमन्त्रण गरेरै भेटेर यसबारेमा अरू बढी जानकारी लिने पनि म कुरा गर्नेछु र उहाँले जुन कुरा सरकारमा पुगोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ निश्चय नै यो सरकारमा पुग्छ। मंत्री कार्के निजी क्षेत्रसँग हात मिलाकर मात्र देश के समृद्ध बनाओल जा सकबाक बात में सरकार जानकार रहल बेर बेर दोहराने छलन। ओहि अवसर में वो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम देश के समृद्धि में योगदान पहुँचेबाक उद्देश्य के साथ संचालन में आनल गेल बतबैत ओहि के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर संबंधित निकाय के सचेत करौने छलन। परराष्ट्र मंत्रालय भारत के सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ विषय में वर्तमान सरकार कोनो निर्णय नहीं करबाक बतौलने। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में एहि बेर में सरकार कोनो निर्णय नहीं करबाक मंत्रालय जानकारी करौलक। पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी सभक प्रश्न के जवाब दैत मंत्रालय के प्रवक्ता शिवा लमसाल निर्वाचन के मिति तोकल गेल अवस्था में तत्काल कोनो निर्णय करबाक पक्ष में अपना सब नहीं रहल बतौलन। अग्निपथ के विषय में नया निर्वाचित सरकार निर्णय करबाक हुनक कथन छलन। सन 1947 में नेपाल भारत आ बेलायत बीच भेल त्रिपक्षीय समझौता के बाद भारतीय सेना में नेपाली भर्ती शुरू भेल छल। एखन भारतीय सेना के 7 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में करीब 30,000 नेपाली सेवारत है। अब प्रवक्ता लमसाल बाढ़ भूस्खलन के कारण उत्तरी नाका में किछ समस्या अलो पर दसई से पहिने पूर्ण रूप में नाका संचालन हेबाक बतौलन। ए विषय में चीनिया पक्ष संगे सेहो बातचीत भचुकला से दसई से पहिने निक से नाका संचालन में अयबाक अपना सब विश्वस्त रहल ओ धारणा रखलन। प्रवक्ता लमसाल पत्रकार सम्मेलन में पाकिस्तान सरकार के नेपाल के ने सहयोग बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद नेपाल के ने सम्मान आ चीनिया जन कांग्रेस के अध्यक्ष ली चांसु के नेपाल भ्रमण विषय में जानकारी कराने छलन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में देशभर और 126 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3,790 गोटे में कैल गेल नमूना परीक्षण में से 126 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तेना वह समय में 137 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल। नेपाल में एखन 2,129 गोटे कोरोना सक्रिय संक्रमित सब। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह बागमती नदी कात के अव्यवस्थित बस्ती सभक दीर्घकालीन समस्या समाधान कर अपना लायक परल बतौलने। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित सरोकार वाला निकाय सब संगे के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में संबोधन करे तो एहन धारणा रखलने। नेता सिंह काठमांडू जिला भूमि आयोग से शुरू कैल गेल काज के तदारुकताक साथ आगा बढ़ावा सहयोग कैल जेबाक बतौलन। वो तत्कालीन नेकपाक सरकार संघीय कानून समय में नहीं बनौला के कारण एखन स्थानीय सरकार के देल जाय वाला अधिकार केन्द्र में राखल गेल बतौलन। वो तत्कालीन नेकपा के सरकार नेपाल के संविधान भावना आ भावना अनुसार काम नहीं केने आ संसद के 2 चोटी भंग केला से ओहि कारण से संविधान के बचेबाक लेल गठबंधन के सरकार बनल दावी कलन। कार्यक्रम में सरकार वाला निकाय सब आ आम सर्वसाधारण सब पीबे वाला पानी संबंधी समस्या के उचित व्यवस्थापन कर मांग कयने छलन।
लघु वित्तीय संस्था विरुद्ध के संघर्ष समिति सरकार संग लघु वित्तीय संस्था सब खारिज कर माग कैलक बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करित लघु वित्तीय संस्था विरुद्ध के संघर्ष समिति सरकार संग एहन माग कैलक पत्रकार सम्मेलन में संघर्ष समिति के अध्यक्ष मणिराम गेवाली लघु वित्तीय संस्था आ नेपाल बैंकर्स संघ आर्थिक आ सामाजिक रूपांतरण के नाम में जनता के शोषण केने आरोप लगलन ओ लघु वित्त संस्था सब राष्ट्र बैंक के घ वर्ग के टैग लगाकर नेपाली जनता के सुकुम्बासी बनाब नहीं मिलवाक कहित संघर्ष समिति सुकुम्बासी बनाब नहीं देव बतौलन छलन संघर्ष समिति सरकार लघु वित्तीय संस्था सब में लगौने सामूहिक ऋण मिन्हा कैल जेबाक चाही आम गरीब किसान सब के निःशुल्क ऋण देल जेबाक चाही आवश्यकता आ क्षमता में आधारित आ रकम के व्यवस्था कैल जेबाक चाही तहिना समाजवादी अर्थतंत्र के विकास कैल जेबाक चाही सहितक सब माग रखलक अछि अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब नमस्कार।